हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक स्विंग ट्रेड की जो कि होगा IIFL में। और मैं एक एक चीज इन डिटेल बात करूंगा, कहाँ खरीदा, क्यों सेल करा, क्या गलती करी, क्या सही करा, हर चीज इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा दुनिया भर के चार्ट पोस्टर बैठे हैं, दुनिया भर के बैठे हैं लोग कि हमने ये करा वो करा, चार्ट एक्सप्लेन। लेकिन मैं जो रियल ट्रेड है वो एक्सप्लेन करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें एक रियल टाइम एग्जीक्यूशन दिखती है, ठीक है। और पोजीशन की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हो मैंने स्टॉक को 12 सितंबर को ही पोस्ट करा था, जिस दिन मैंने इसको बाय करा। बाकी सेलिंग के स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे हैं, अगर आप नहीं हो तो ज्वाइन कर लो। बाकी ये देखो, ठीक है, ये री सिंपल 30,000 रुपये बुक करे, कोई 30 लाख रुपए नहीं करे। बट अगर मैं अब बात करूं मेरी गलती क्या हुई, क्या सही करा, क्यों एंट्री ली, एवरीथिंग, तो अब हम शुरू करते हैं सिर्फ IIFL पे ध्यान देने में। सबसे पहले तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, ये स्टॉक मेरी लिस्ट में इसलिए था क्योंकि देखो, स्टॉक का अगर मैं ट्रेंड पूछूं आपसे तो कौन सा ट्रेंड है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसका मतलब क्या है, स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर है, राइट। तो जो चीज एक अप ट्रेंड के अंदर है वो क्वालिफाई हो जाती है ट्रेड के लिए। आई नो कोई कह रहा होगा यहां पर लेकिन ये सब आ रखा है, ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये पुराना प्राइस एक्शन हो गया, ठीक है। अब मेरी लिस्ट में आता है ये सिर्फ एक रीजन से, जब ये दिन का मैंने प्राइस एक्शन देखा कि 8 मिलियन की वॉल्यूम आई है, 12% का मूव आया, उसके बाद प्राइस साइडवेज 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 चलता जा रहा है नॉन स्टॉप। बड़ा ही अच्छा पैटर्न होता है, जब भी आप किसी स्टॉक को ऐसा देखो कि वो एक मूव दे और फिर साइडवेज चले, तो वो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, ठीक है। इसका मतलब ये सोचो बाइंग आई और फिर कोई सेलिंग नहीं आ रही, फिर अक्यूमुलेट हो रहा है वो धीरे 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 धीरे, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। और इसीलिए ये स्टॉक मेरी लिस्ट में आया था। अब जब ये मेरी लिस्ट में आ चुका था, अब एक बड़ा बड़ा बेसिक क्वेश्चन मुझे आता है कि आप स्कैन कैसे करते हो, स्कैन कैसे करते हो। तो जिनके पास तो मेरा फुल कोर्स है स्विंग ट्रेडिंग वाला, उसमें स्कैनिंग इंक्लूडेड है ही, लेकिन अगर आपको सिर्फ ही स्कैनिंग सीखनी हो, मान लो आपको लगता हो कि आपको बाकी चीजें आती हैं और सिर्फ स्कैनिंग की, तो उस पर भी मेरा कोर्स है। मैं पूरा का पूरा नीचे लिंक डाल दूंगा दोनों कोर्सेस का, आपको जो पसंद हो लो, नहीं लेना हो मत लो, सिर्फ ये वीडियोस देखो और सीखो, ठीक है। आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस जो वो करो, कोई जबरदस्ती नहीं किसी को। अब उसके बाद इस दिन ही स्पेसिफिक आप बोलोगे एंट्री क्यों बनती है, आप कहोगे आप यहां भी खरीद सकते थे, यहां भी खरीद सकते थे, कहीं भी खरीद सकते। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे ना, मैं जूम इन करता हूँ, 12 सितंबर को याद रखो मैंने बाय करा है। तो ये मेरी लिस्ट में था चार्ट और मैं इसको देख रहा था, अगर मैं 12 सितंबर को जाऊंगा, ये राइट अराउंड ही है। अब देखो स्टॉक ओपन हुआ, नीचे गया, मैंने इसको कब खरीदा, इस दिन डे हाई को क्रॉस करा, ठीक है। जैसे ही इसने अपने डे हाई को क्रॉस करके स्ट्रेंथ दिखाई ना मेरे को, मैंने तब जाके इसको बाय कराया। डे हाई का वेट क्यों करा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि इसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं। अब देखो उसके नीचे ही ट्रेड करता रहता तो कोई पॉइंट नहीं ना, डे हाई तोड़ने के बाद क्या होता है, एक मोमेंटम मिल जाती है चीज को, उसको एक पुश मिलता है। डे हाई तोड़ने का मतलब क्या है, आज जान है इस चीज के अंदर, ठीक है, वो अपना हाई तोड़ के निकला, एक बड़ी बेसिक सी बात है ये। उसके बाद मैंने इसके अंदर एंट्री ली और उसके बाद मैं इंट्राडे चार्ट, 15 मिनट का चार्ट कुछ भी नहीं देखता। एक बार मैंने एंट्री ले ली, मैं डेली पे शिफ्ट हो जाता हूँ। मेरा SL क्या था, इसका लो 464, ठीक है। तो SL कितना था हमारा, लगभग लगभग 14 पॉइंट, ठीक है। टोटल साइज जो मैंने एंटर करा था वो मैंने 800 करा था, PNL में 1600 दिखा रहा है क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, बट वैसे 800 करा था और 150 क्वांटिटी मैंने यहां बेची थी, ठीक है। देखो सोल 20% ना, 800 करा था तो 160 150 बेचती थी, बाकी 650 क्वांटिटी मैंने 517 बेची थी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी उसका दिखा देता हूँ अभी, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे टेलीग्राम पे तो सेलिंग का है 650 का स्क्रीनशॉट और अगले दिन बाइंग वाला भी है, बट ठीक है। तो आप 517 पे 650 क्वांटिटी सेल, ठीक है, यहां पर मैंने सेल करा है 23 को। लेकिन इसमें सीखने वाली चीज क्या थी, चलो ये दिन तो शेकआउट दिन था, ये दिन को सेल नहीं करना था, बट मैंने इस दिन सेल नहीं करा 20 सितंबर को, जिस दिन मेरे को ये 55,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो मैं अब ऑब्वियसली मैंने इसको अगले दिन बेचा तो मैं
एनालाइज कर रहा था और मैं देख रहा था कि मैंने एक छोटी सी बड़ी बेसिक मिस्टेक कर दी जो कि मैं जनरली नहीं करता। अगर मैं स्पेसिफिक फोकस करूँ ना इस दिन के ऊपर, तो आपको क्या दिख रहा है भाई? प्राइस 11% के गैप आपसे खुला है 560 रुपये पे, और पूरा दिन सेलिंग 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 आ रही है, और वॉल्यूम भी है उसके अंदर, ठीक है। और जिस जगह ये खुला है ना, वो एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस भी थी। ये देखो, ये एक पहले सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस बन चुका था यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको नहीं आते मैं रेकमेंड करूंगा आप पूरा वाला कोर्स ले लो स्विंग वाला, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है। यहाँ पर एक इतनी बढ़िया रेजिस्टेंस थी जो मैंने नहीं ध्यान दिया, मैं होल्ड करके बैठा रहा बैठा रहा, बट इन दी एंड हैड टू सेल इट एट 30,000, जिसका मतलब 3R, मतलब एक का 3 मिला मेरे को। मैंने 10,000 का रिस्क लिया और मेरे को 30,000 रुपये मिल गए। लेकिन जहां 55 मिल रहे थे वहां मैंने गलती करी कि वहां पर मुझे एटलीस्ट 50% तो बेच देना चाहिए था, बाकी का मैं बाद में देख सकता था प्राइस एक्शन क्या होता है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं 517 रुपये बेचता और अगले दिन ये फिर 12% का मूव देता, क्योंकि देखो किसी को पता तो होता नहीं टेक्निकली मार्केट में क्या हो सकता है, पर हमें छोटे छोटे क्लूज लेकर उनकी हेल्प से अपने एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स का क्राइटेरिया ढूंढना होता है। मेरे हिसाब से एक अच्छा सेलिंग पॉइंट होता है जब हम गैप अप खुल के सेल कर रहे हैं वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम नहीं होती ना इसके अंदर, तो मैं नहीं बोलता कि यहाँ पे सेल बनती है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम थी इसलिए यहाँ पर सेल बनती थी। तो ये ट्रेड था मेरा IIFL का। होपफुली मैंने पूरी डिटेल में समझाया होगा, कुछ ना कुछ रह ही गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कर दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी दोनों कोर्सेज का लिंक नीचे होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।